नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो में आपको फॉरेन लैंग्वेज कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ कि आप कैसे फॉरेन लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। और स्पेशली मैं यहाँ पे आईआईटी कानपुर के बारे में बताने वाला हूँ कि आईआईटी कानपुर का जो फॉरेन लैंग्वेज प्रोग्राम है वो क्या है और कैसे होता है। तो आप सबको पता ही होगा कि आजकल काफ़ी बड़े बड़े कोर्स करने के बावजूद भी नौकरी नहीं लग रही है और आदमी फॉरेन कोर्स कर लेता है, फॉरेन लैंग्वेज कोर्स कर लेता है तो इजीली जो है उसका विदेशों में या फिर कुछ कंपनियां ऐसा हैं जो इंडिया में अपना ऑफिस खोलती हैं, बाहर की कंपनियां होती हैं, तो उन लोगों को इस तरह के एक्सपर्ट की जरूरत होती है जिनको फॉरेन लैंग्वेज की जानकारी होती है। तो यहाँ पे मैं आपको तीन लैंग्वेज जो आईआईटी कानपुर से कोर्स कराया जाता है, फ्रेंच, जर्मन और जैपनीज का, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं। तो इसके लिए एडमिशन प्रोसेस जो है ये जून या जुलाई के करीब में स्टार्ट होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसका नोटिस आपको जून के लास्ट में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा, फॉरेन लैंग्वेज प्रोग्राम एडमिशन नोटिस आईआईटी कानपुर। तो ये प्रीवियस सीजन का सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अप्लीकेशन और इन्वाइटेड फॉर एडमिशन टू द फॉरेन लैंग्वेज प्रोग्राम एट आईआईटी कानपुर। तो ये पुराने सीजन का ये सारी डिटेल्स है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप चेक करते रहिएगा, आईआईटी की वेबसाइट है, आप सीधा गूगल में सर्च कर देंगे FLP IIT कानपुर, FLP IIT कानपुर, तो आपको इनकी वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन जो खुलेगी वो आपका फॉरेन लैंग्वेज प्रोग्राम की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब इसका यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए PDF वगैरह सब लगे हुए हैं, लिस्ट, टाइम टेबल वगैरह, यहाँ पे न्यू कोर्स, फॉरेन लैंग्वेज प्रोग्राम, एडमिशन नोटिस, और सबसे नीचे में आपको कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, ईमेल वगैरह, फ़ोन नंबर भी आपको मिल जाएंगे जिन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो अब बात करते हैं कि एडमिशन कैसे होता है। तो यहाँ पे तीन तरह के कोर्सेज हैं आईआईटी कानपुर में, और फ्रेंच, जर्मन और जैपनीज लैंग्वेज के कोर्सेज हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे कोई पेपर वेपर नहीं होने वाला है, ना ही कोई आपको एंट्रेंस टेस्ट देना है, बल्कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होंगे। तो जो सबसे पहले पहुँचेगा, जो सबसे पहले अप्लाई करेगा, उसका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट देख सकते हैं फॉर नॉन आईआईटी कानपुर, जो नॉन आईआईटीएन है उनका डेट अलग है और जो आईआईटी वाले हैं उनका डेट अलग है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें गौर करनी है कि यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, डिक्लेरेशन ऑफ एडमिशन लिस्ट, जब एडमिशन लिस्ट जारी हो जाएगी तो आपको फी पे करना होगा, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ नॉन रिफंडेबल फीस, और यहाँ पे फीस रिफंडेबल नहीं है, एक बार आपने जमा कर दी तो वो रिफंड नहीं होगी। और यहाँ पे वेटिंग लिस्ट भी जारी हो जाएगी, अगर आपका मान लीजिए सीट नहीं मिल पाता है तो आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाएगा, और वेटिंग लिस्ट आपको चेक चेक कीजिएगा, वेटिंग लिस्ट के बाद अगर आपका जो है कि नाम आ जाता है तब आपको फीस जमा करनी पड़ेगी। यहाँ पे देख पूरी चीज़ें ध्यान से देख सकते हैं, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ नॉन रिफंडेबल फी थ्रू डिमांड ड्राफ्ट, ओनली वेट लिस्ट स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे आईआईटी वालों के लिए अलग है। अब बात करते हैं कि सीटें कितनी है यहाँ पे, सॉरी फीस फीस की पहले बात कर लेते हैं। और यहाँ पे क्लासेस की, क्लासेस विल बिगिन ऑन मंडे अगस्त 7, 2017, तो इनकी क्लासेस अगस्त में स्टार्ट होती हैं। तो इस बार अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप जून से ही इनकी वेबसाइट चेक करना शुरू कर दीजिए, या फिर वो आप फोन से भी बात करके पता कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर हम देखें तो यहाँ पे देखिए आईआईटी कानपुर वालों के लिए अलग फीस है, आईआईटी कानपुर के एम्प्लॉय के लिए अलग फीस है, और एक्सटर्नल स्टूडेंट होंगे जो नॉन आईआईटी हैं उनके लिए फीस ज़्यादा है, वो 10,000 रुपये है। द फीस कम्प्लीटली नॉन रिफंडेबल एंड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अब सीटों की यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 60% सीटें जो है कि आईआईटी वालों के लिए होती है, जिसमें आईआईटी स्टूडेंट और आईआईटी के एम्प्लॉयज शामिल होते हैं, और 40% सीटें जो है बाहर वालों के लिए होती है। तो आप जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतने ही चांसेस हैं कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाए। तो अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई जो है कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए अप्लीकेशन फॉर्म्स आर अवेलेबल ऑनलाइन, यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है, एंड फ्रॉम द डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स, तो ऑफलाइन भी आपको फॉर्म मिल जाएगा, आईआईटी कानपुर जाके ले सकते हैं। और यहाँ पे दे रहा है एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड विद
ऑल नेसेसरी इंक्लोजर नीड टू बी सबमिटेड इन हार्ड कॉपी ऑफ DOSS ऑफिस। तो इस एड्रेस पे आपको हार्ड कॉपी आपको भेजना है, और इंक्लोजर यहाँ पे देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, प्रूफ ऑफ नेम एंड एड्रेस, वन स्टाम्प साइज लेटेस्ट फोटो पेस्टेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, और नीचे में एड्रेस दिया हुआ है कि आप जो है इस एड्रेस पे आपको फॉर्म भेजना है। तो यहाँ पे अब टाइम टेबल की बात करें, यहाँ पे देखिए पिछला वाला सीजन कब स्टार्ट हुआ था, पिछला वाला जो है इनका कोर्स अगस्त 7 को स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे कोर्स करने के लिए आपके साथ में क्लास में एंट्री के लिए आपको अपने फी रिसिप्ट आपके साथ में होना चाहिए। तो ये टाइमिंग है इसकी, आप देख सकते हैं ठीक है। और वेटिंग लिस्ट वगैरह आपका मान लीजिए नाम नहीं आता है, तो वेटिंग लिस्ट की एक अलग PDF इनकी वेबसाइट पे मिल जाती है। तो ये पिछले साल के सारे डॉक्यूमेंट हैं, लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट, ये IIT कानपुर वालों की लिस्ट है, कौन कौन से स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था इस कोर्स के लिए, और यहाँ पे वेटिंग लिस्ट, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे वेटिंग लिस्ट भी आपको मिल जाएगी, कौन कौन से लोग वेटिंग लिस्ट में, इस तरह से वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा अगर सीट नहीं मिलता है आपको। तो फॉरेन लैंग्वेज अगर आप करना चाहते हैं तो ₹10,000 में, वो भी IIT से, काफ़ी अच्छा मौका है। और कोई ज़रूरी नहीं कि आप IIT से ही करिए, अदर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भी फॉरेन लैंग्वेज कोर्स होते हैं, तो अगर आप फॉरेन लैंग्वेज कोर्स कर लेते हैं तो आपके लिए विदेशों में एक बहुत ही अच्छा मौका है, और इंडिया में भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऐसे प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं जिनको फॉरेन लैंग्वेज की जानकारी होती है। मेरा खुद एक दोस्त जो है पोलिश लैंग्वेज करके आया, उसने BCom किया, उसके बाद पोलिश लैंग्वेज किया, और उसके बाद में चेन्नई में ही उसकी नौकरी लगी हुई है, और उसकी कंपनी जो है सर्विसेज एक्सपोर्ट करती है इंडिया से पोलैंड के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और लाइक करना ना भूलिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, धन्यवाद।